हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो यार, आज के एपिसोड में हम काफ़ी कुछ जानने वाले हैं जो मोस्टली सारे बिगनर्स की प्रॉब्लम होती है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट को प्रैक्टिस कहाँ से करें। फ्रंट एंड डेवलपमेंट हम सीख तो लेते हैं अच्छे रिसोर्सेज, अच्छे ट्यूटोरियल्स, अच्छे कोर्सेज के थ्रू, बट फिर हम स्किल्स कैसे बढ़ाएं अपनी, कहाँ से प्रैक्टिस करें, वो समझ नहीं आता। तो यार, मेनली मैं इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के बारे में बात करूँगा। HTML, CSS मोस्टली सारे लोग कर लेते हैं, तो बिगनर्स भी कर लेते हैं अच्छे से, उसके रिगार्डिंग हम बात नहीं करेंगे। उसके बारे में अगर आपको कुछ डाउट हो तो यार कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जो मैं भी करता था, कुछ भी अगर सीखना हो, सपोज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने सीख ली, ठीक है, कोई ट्यूटोरियल या कोई कोर्स के थ्रू, फिर ट्यूटोरियल में जो भी प्रोजेक्ट बनाए वो हमने भी बना लिए, राइट। बट उसके बाद क्या, स्किल्स को कैसे और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में कोई नहीं बताता। और क्या ये सही अप्रोच है जो हम ट्यूटोरियल्स देख के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, इज दैट दी राइट अप्रोच? मेरे को नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इससे काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है। जब हम हमारे खुद के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब हम समझ नहीं पाएंगे कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। ये मैं ट्यूटोरियल्स की बात नहीं कर रहा, जब हम खुद के अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसकी बात कर रहा हूँ। ज्यादा सोच नहीं पाएंगे, लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को बट ऑप्टिमाइज्ड वे में नहीं कर पाएंगे। कुछ बिगनर्स को ये भी नहीं पता चलेगा कि कोड कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, राइट। क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस की है जब मैंने स्टार्ट किया था। आई एम श्योर आप में से भी काफ़ी लोग ये प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, उसका सॉल्यूशन मैं ये वीडियो में बताऊंगा। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेटेजी कि कैसे प्रैक्टिस करें, रिसोर्सिस कि कहाँ से प्रैक्टिस करें, और अप्रोच कि इस स्ट्रेटेजी से हम अपनी स्किल्स को और ज़्यादा कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये वीडियो, तो ज़रूर एंड तक देखना। तो फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमें जावास्क्रिप्ट सीखना है, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच। जिसने भी जावास्क्रिप्ट सीख लिया या सीख रहे हैं, अभी भूल जाओ कि आप लोग ने कुछ भी सीखा है, अब बस एक फ्लो में रहो मेरे साथ कि हम लोग स्क्रैच से जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जावास्क्रिप्ट में आई नो मोस्टली काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी लॉजिक बिल्ड करने में, राइट, प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो अब हम जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, ठीक है, एक एक कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, अगर कोई कोर्स लेते हैं या ट्यूटोरियल देख रहे हैं YouTube पे, चलो, तो हम क्या करते हैं यूजुअली कि कंसेप्ट सीख लेते हैं और फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं या फिर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, राइट। बट अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे कंसेप्ट सीख रहे हैं उसके बाद प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करो, सारे कंसेप्ट के प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करो ताकि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए एकदम। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने लूप सीखा या फंक्शन सीखा या वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, राइट। तो जैसे जैसे कंसेप्ट पढ़ते जा रहे के प्रॉब्लम सॉल्व करो ताकि एक एक करके सारे कंसेप्ट आपके स्ट्रांग हो जाए, सिर्फ थियोरेटिकली नहीं बट प्रैक्टिकली भी। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे एक एक करके आप कंसेप्ट सीखते जाओगे, आपका दिमाग भी उस तरीके से सोचने लगेगा, ज्यादा सोचने लगेगा और सही वे में सोचने लगेगा। और जब आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के कंसेप्ट करोगे ना, तब आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में इतना नहीं सोचना पड़ेगा, आपका लॉजिक खुद ही ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, तो हमने थियोरेटिकली तो देख लिया बट उसके प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब प्रॉब्लम्स कहाँ से सॉल्व करना है वो आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हो, चैट जीपीटी आपको अच्छे से बता देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लूप्स का कंसेप्ट सीखा, तो आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हो कि यार मेरे को लूप्स के बारे में कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दे दो जिसको मैं सॉल्व कर सकूं। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपको इजी लेवल पे चाहिए या मीडियम लेवल पे चाहिए, बेस्ड ऑन कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप प्योर बिगनर हो तो इजी लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ आपको लूप्स के प्रॉब्लम मिल जाएंगे, तो इसको आप सॉल्व करो ताकि आपका लूप्स एकदम स्ट्रांग हो जाए। ऐसे ही सारे फंडामेंटल कंसेप्ट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करो, और सिर्फ फंडामेंटल्स नहीं, सारे कंसेप्ट्स, जावास्क्रिप्ट में कोई भी कंसेप्ट हो, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो गया या प्रोमिसेस हो गया, एसिंक इवेंट हो गया, राइट, ये सबके प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो बिफोर जंपिंग इनटू प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स आप करोगे ही, बट पहले लैंग्वेज के फंडामेंटल्स को स्ट्रांग कर लो। कैसे करने हैं वो मैंने बता दिया, राइट। एक एक कंसेप्ट के बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करते जाओ, भले ही तीन चार प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करो, पर करो, ठीक है। नहीं करोगे तो ऐसा होगा कि आपने सारे कंसेप्ट देख लिए, अब प्रोजेक्ट बना रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, क्या लॉजिक लिखूं, कैसे स्टार्ट करूं, राइट। ये काफी अच्छा अप्रोच है जो आपको लॉन्ग टर्म में काफी हेल्प करेगा। जो भी ऐसा सोच रहे ना कि मेरे से लॉजिक बिल्ड नहीं होता, ये करके देखो और फिर मेरे को बताना कि मेरे से अभी भी लॉजिक बिल्ड नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कैसे सीख सकते हैं। देखो, अगर चैट जीपीटी से नहीं पूछना हो, चैट जीपीटी के अलावा भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। डीट कोड हो गया, हैकरैंक हो गया, सबका यूज करो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिया तो ऑब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, फंक्शंस पढ़ लिया तो फंक्शन के प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करो, ठीक है। अब
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर लिए, अब जंप करो प्रोजेक्ट्स में। प्रोजेक्ट्स में क्या कर सकते हो, देखो सपोज आपने कोई ट्यूटोरियल लिया है, ठीक है, उसमें फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स का आपको क्लोन बनाना सिखा रहे हैं। चलो आपने वो क्लोन बना लिया, ठीक है, ट्यूटोरियल देख देख के, बट अब क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल बुक माई शो का क्लोन बना रहे हो, ठीक है, ये हम खुद से बना रहे हैं, ट्यूटोरियल से नहीं बना रहे, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो बुक माई शो के वेबसाइट पे जाओ, वहां पे देखो क्या फंक्शनलिटीज आपको बनानी है। सारी फंक्शनलिटीज बनाने की जरूरत नहीं है, बेसिक फंक्शनलिटीज बनाओ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिटी का सिलेक्शन हो गया, मूवीज की स्क्रीन हो गई, बुकिंग की स्क्रीन हो गई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये दो स्क्रीन अभी हमें बनानी है, और एक सर्च बार होगा जहाँ पे आप मूवी सर्च कर सकते हो, ठीक है, इतनी फंक्शनलिटीज हमें बनानी है। ये सब एक पेपर में या कहीं पे भी एक लिख लो कि हाँ मेरे को बुक माई शो के क्लोन में इतने फंक्शनलिटीज बनाने, इतने फंक्शनलिटीज अभी के लिए रखने हैं, ठीक है। अब स्क्रीन बाय स्क्रीन देखो कि फर्स्ट स्क्रीन में आपको कौन से, आपको क्या डेटा चाहिए, कौन से डेटा स्ट्रक्चर आप यूज करोगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स तो हमने पढ़ लिए है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी सॉल्व कर लिए है, राइट, तो अब आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ मेरे को डेटा स्ट्रक्चर ये चाहिए, स्क्रीन में इतना डेटा चाहिए, अगर आप रिएक्ट में बना रहे हो तो इतने कंपोनेंट्स चाहिए, ठीक है, वो आपको पता चलने लगेगा ऑटोमेटिक। अब आपको देखना नहीं पड़ेगा कि हाँ मेरे को, चलो बुक माई शो का क्लोन बनाना है तो मैं एक बार यूट्यूब पे वापस सर्च करता हूँ, उसमें जो भी बना रहे हैं वो मैं बना दूंगा, ऐसा आपको नहीं होगा, आप खुद से ही सोच पाओगे, ठीक है। बेसिक लेवल से स्टार्ट करना, बेसिक फंक्शनलिटीज इंक्लूड करना, ज्यादा हार्ड लेवल पे जाओगे तो कन्फ्यूज ज्यादा हो जाओगे, ठीक है। बेसिक पहले बना लिया, ठीक है, हमने जितना फंक्शनलिटीज बोला था उतना बना लिया, अब क्या करो, जावास्क्रिप्ट के इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने डीबाउंसिंग टॉपिक के बारे में पढ़ा, राइट, तो अब उसको सोचो कि उसको आपके बुक माई शो प्रोजेक्ट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। इवेंट प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ा तो वो आप इस प्रोजेक्ट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। वैसे वैसे एक एक कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट ये प्रोजेक्ट में ही करते जाओ, जिससे आपकी स्किल्स अच्छी होती ही जाएगी, ठीक है। इससे आई एम डैम श्योर कि आपको उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी जो आप नॉर्मली ट्यूटोरियल फॉलो करके ब्लाइंडली प्रोजेक्ट्स बनाते हो उससे आती है, ठीक है। अब सपोज जावास्क्रिप्ट हो गया, अब हमें रिएक्ट सीखना है, तो रिएक्ट में क्या करो, रिएक्ट के कॉन्सेप्ट सीख लो कोई भी ट्यूटोरियल या डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। अब उस सारे कॉन्सेप्ट्स के प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको कहाँ से मिलेंगे, चैट जीपीटी को पूछ सकते हो। सपोज आपने यूज इफेक्ट हुक के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो उसके दो से चार प्रॉब्लम सॉल्व करो, यूज इफेक्ट हुक कैसे काम करता है। चैट जीपीटी से मांग लो कि मेरे को यार यूज इफेक्ट हुक के ऊपर कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दो इजी लेवल के जो मुझे सॉल्व करने हैं, वो आपको लिस्ट दे देगा, फिर आप उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, आपको वो आंसर भी दे देगा, ठीक है, अगर आप कहीं बीच में फंसते हो तो। ऐसे ही आप सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ कर सकते हो, जिससे जब आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे आपको इतने सारे इश्यूज नहीं आएंगे, और जैसे जैसे कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते जाओ वैसे वैसे इसी प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करते जाओ। सपोज आपने वेब स्टोरेज के बारे में पढ़ा, ठीक है, जिसमें लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, कुकीज, ये सब आता है। अब बुक माई शो का क्लोन हमने बनाया, ठीक है, उसमें जब आप सिटी सिलेक्ट करते हो तब सोचो कि अगर मैं रिफ्रेश बटन पे क्लिक करूं और मैं सिटी एक बार स्टोर कर दूं वेब स्टोरेज की हेल्प से, वो वाला फीचर इंप्लीमेंट कर दूं, तो मेरा कंसेप्ट एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपके प्रोजेक्ट में भी एक फंक्शनलिटी और ऐड हो जाएगी, राइट, तो ऐसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैंने भी ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस किए थे, बट मेरे को ऐसा बताने वाला कोई नहीं था, बट आपके लिए मैं हूँ, तो इसलिए ये स्ट्रेटेजी को यूज़ करो, ये अप्रोच को यूज़ करो, ये रिसोर्सेज को यूज़ करो, और फिर देखना कि आपको कितनी हेल्प मिलती है। अब यही सेम चीज़ आप बैकएंड डेवलपमेंट अगर सीख रहे हो Node.js तो उसमें भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो यार इस वीडियो में यही था, अगर आपको पसंद आया हो, स्ट्रेटेजी, अप्रोच, रिसोर्सेज अच्छे लगे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये चीज़ ज़रूर फॉलो करना, और देखो आपकी स्किल्स कैसे ग्रो होती है। चलो तो यार इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।